दो सप्ताह पहले भोरंज के मुंडकर में हुए मर्डर के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि दो सप्ताह बीत जाने पर भी मर्डर के आरोपियों का कोई सुराग पुलिस तलाश करने में नाकाम रही है। वहीं इस मामले में अब एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने एसआईटी का गठन किया है, जो कि शुरू से मामले की तफ्तीश करके पड़ताल करेगी। वहीं गत दिवस विधायक भोरंज कमलेश कुमारी से भी परिजनों ने मिलकर आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा का कहना है कि पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है और कुछ सबूतों को फॉरेंसिक लैब में भी भिजवाया गया है और अब एसआईटी गठित की गई है, जो कि जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। में सोनी और प्रदीप का जो मामला है हत्या का, इसमें जांच चल रही है और इसमें एक विशेष जांच टीम का हम गठन कर रहे हैं एसआईटी का, जो कि इस पूरे मामले को गहनता से और जांच आगे बढ़ाएगी। इसमें काफ़ी लोगों से पूछताछ भी करी गई है, कुछ फॉरेंसिक क्लू भी हमने उठाए हैं जो कि हमने जांच के लिए आगे भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, रिजल्ट देंगे। एसआईटी का गठन किया जा रहा है जिसमें कुछ अच्छे ऑफिसर्स को हम इसमें एसआईटी में लेके आएंगे। बता दें कि दो सप्ताह पहले टैक्सी चालक प्रदीप कुमार उर्फ सोनू की निर्मम हत्या कर दी गई थी और गला रेत कर हत्या की थी। प्रदीप कुमार को सड़क किनारे मार कर फेंका गया था। मृतक के परिजन भी हत्यारों को पकड़ने के लिए गुहार लगा रहे हैं। गत दिवस विधायक भोरंज कमलेश कुमारी से भी परिजनों ने मिलकर आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस के द्वारा हत्या के मामले में अभी तक मात्र औपचारिकताएं ही निभाने पर परिजनों में भी गहरा रोष पनपा हुआ है।